तो ये खराब रास्ता है, इसमें सड़क है नहीं, बट फिर भी हम टपा रहे हैं। बहुत कम गाड़ी है जिसमें आप ऐसे कर सकते हो बिना टेंशन लिए। So I think a lot of people know that Fortuner is like the daily ghoda of a lot of people's houses. So this is one car जो कम चली ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये जो फॉर्चुनर की शेप है, ये पहली शेप है एटलीस्ट इंडिया में, बाहर का मुझे पता नहीं, सॉरी पावर्ड है इसकी सीट। तो ये इतनी पॉपुलर और इतनी कॉमन है बिकॉज ये अकेली कार है जो बहुत पावरफुल है, बहुत कैपेबल है, एंड देन इसकी सर्विस और पार्ट्स का खर्चा बहुत ही कम है। सो ये और एक पुरानी इनोवा लोगों के लिए बहुत बड़े तगड़े वर्क हॉर्सेज हैं, और जब से नई फॉर्च्यूनर आई है तब से इसके थोड़ी सी इसकी ग्रेस कम हो गई है उन लोगों के लिए जो मॉडर्न गाड़ी पसंद करते हैं या थोड़ी हाईटेक गाड़ी पसंद करते हैं। बट अभी भी सेकेंड हैंड मार्केट के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आज भी डेली वर्क हॉर्स के हिसाब से बहुत अच्छी कार है। और फॉर्च्यूनर और एंडेवर दो ऐसी गाड़ी हैं जो लग्जरी कार डीलर्स लग्जरी का टैग लेके रखते हैं, उसके अलावा बहुत रेयर गाड़ी है जो वो लग्जरी को मानते हैं। तो आप भी सोचो कि यार ये तो लग्जरी गाड़ी वाला ऑडी की बात करता है, मर्सिडीज की बात करता है, ये फॉर्च्यूनर को चला रहा है, बिकॉज ये दो गाड़ियां ऐसी हैं क्योंकि जो जब ये कस्टमर मांगता है तो हम उनको मना नहीं करते, क्योंकि बहुत कम गाड़ी है जिसमें आप ऐसे कर सकते हो बिना टेंशन लिए। और वैसे आगे एम्बुलेंस खड़ी है तो हमें शायद पीछे जाना पड़ेगा। दिस इज द ईजीएस्ट कार दैट यू कैन डू एनीथिंग ऑन, टेक इट ऑफ रोड, टेक इट व्हाटएवर, जहां मर्जी। जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ यार कि लग्जरी गाड़ियों को ऑडी के लिए, बीएमडब्ल्यू के लिए, मर्सिडीज के लिए आपको सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि उनको कैसे रखना है, क्या करना है, उनको अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए, तो वो कभी आपको तंग नहीं करती, बहुत सस्ते में खर्चे पड़ती है। बट अगर कोई बंदा वैसा है, जैसे बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको लग्जरी गाड़ी में नहीं दिलाता, वैसे लोगों को जो कहते हैं यार बेटा हमें ना कुछ भी नहीं कराना कार पे, हमें गाड़ी तोड़नी है, गाड़ी की बैंड बजानी है, बस कभी जाना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े। और मेरे साथ भी दो तरह की गाड़ी होती है, एक जो मैं खुद चलाता हूँ, और आई डेफिनेटली प्रेफर Q7 ओवर दिस एनी डे बिकॉज ऑफ इट्स रिफाइनमेंट एंड ग्रेट क्लास। बट और जो भी बंदे हैं जो कहते हैं यार हमने घोड़े की तरह गाड़ी रखनी है, हमें दोबारा कभी ठीक कराना ही ना पड़े, कोई प्रॉब्लम आए तो भी चलाते रहे, और जब अगली गाड़ी बंद हो जाए तो बहुत कम खर्चे में ठीक हो जाए, तो उनके लिए ये गाड़ी है। और ये गाड़ी जितनी पॉपुलर है, जितनी कॉमन है, और जितने लोग इसको लाइक करते हैं, उतना ही इसका कम चली मिलना मुश्किल है। नो डाउट ये अकेली कार है जो 1.5 लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर चली में भी कुछ ज्यादा तंग नहीं करती। बट जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कोई ज्यादा चली कार लेते हैं तो उसके अंदर एक रिस्क रहता है कि वो गाड़ी पिछले ओनर ने सही से मेंटेन करी या ना करी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 60,000 चली कार है, ऐसे को 60,000 में कुछ नहीं होता, बट अगर 60,000 चली कार में बंदे ने कभी टाइम पे सर्विस ही नहीं कराई, उसकी बैंड बजाते रहा, तो 60,000 वाली चली गाड़ी की भी बैंड बज सकती है। इट इज पॉसिबल कि आप एक 60,000 गाड़ी चली गाड़ी भी जो मार्केट में ढूंढोगे वो बहुत बदतर हालत में। तो वो रिस्क फ्री मैं रहता हूँ अपने कस्टमर्स के लिए, इसलिए एक बंदे को क्लियरली एक काली फॉर्च्यूनर चाहिए थी, और उनकी क्लियर मेरे को लाइन थी कि मेरे को एक ब्लैक फॉर्च्यूनर चाहिए, लेस ड्रिवन मिले तो ही, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। बट मेरा उसके साथ एक इमोशनल इंपॉर्टेंस है कि मेरे पास ऑलरेडी काली फॉर्च्यूनर थी एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम, वो 6-7 साल मेरे साथ लाइफ में रही, और जिसको मैंने बेच दी वो बंदा अरबपति बंदा बन गया। तो उनके लिए ये गाड़ी एक लकी कार थी, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ ब्लैक फॉर्च्यूनर, एंड मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं एक अच्छी कम चली गाड़ी ढूंढ रहा था, एंड एक्चुअली आई फाउंड वन, वी गॉट द डील डन, वी गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, एंड नाउ वी आर ड्राइविंग इट। कमिंग बैक टू द कार, बट वाई दिस कार इज स्पेशल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अपार्ट फ्रॉम इट्स ड्राइविंग डायनामिक्स, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, दिस कार इज एक्चुअली सबसे ज्यादा स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स रोड प्रेजेंस, और अगर रेशो निकालोगे ना कि सबसे कम मेंटेनेंस में सबसे अच्छी रोड प्रेजेंस और सबसे अच्छी रिलायबिलिटी वो इस गाड़ी में। और एक होता है रिलायबिलिटी की यार आप सर्विस टाइम पे करा रहे हो और गाड़ी आपको बिल्कुल तंग नहीं कर रही, एक होती है कि आप कुछ भी नहीं करा रहे फिर भी कुछ तंग नहीं कर रही, तो ये एक्चुअली वैसी गाड़ी है। अब कमिंग बैक टू व्हाई फॉर्च्यूनर्स आर सो पॉपुलर, बिकॉज दिस इज एन ऑल राउंडर कार, इट कैन गो एनीवेयर, डू एनीथिंग, इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस, इट इज वेरी 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 प्रैक्टिकल, कहीं भी चढ़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। बट देन इसका एक अपना रुतबा है, एक अपना रोड प्रेजेंस है, जो डेफिनेटली Q7 वगैरह बड़ी गाड़ी में भी है, बट फॉर्च्यूनर की एक अपनी ग्रेस है। द रीजन व्हाई फॉर्च्यूनर सेल्स इज बिकॉज, अपार्ट फ्रॉम इट्स रिलायबिलिटी, इज बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेस, कि यार अच्छा अगले बार फॉर्च्यूनर है, और देन ब्लैक का एक अलग रोप पड़ता है। बट देन कमिंग बैक टू इट्स ड्राइविंग डायनामिक्स, फॉर्च्यूनर थोड़ी सी स्टिफ सेटअप होती है, अंदर ट्रक वाली फील आती है, थोड़ा सा शोर आता है, बट नथिंग दैट यू कैनॉट गेट यूज टू इट, इट इज नॉट लग्जूरियस एट ऑल फ्रॉम इंटीरियर्स, फ्रॉम एनीथिंग एल्स, बट यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कार। सो जैपनीज कार्स की एक बात अच्छी है, नो डाउट उनकी बिल्ड क्वालिटी उतनी हाई लेवल, उतनी क्लासी नहीं होती, बट उनके ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही फील सब होते हैं। इन अ वे आप कोई भी अगर जापानीज कार चलाओगे तो आपको कार चलाने में आप कार से कनेक्टेड बहुत ज्यादा फील करते हो।
तो इसमें भी चाहिए बहुत बड़ी कार है, बट यू कैन एक्चुअली ड्राइव इट वेरी कंफर्टेबली लाइक हैचबैक। एंड अनदर थिंग, दिस कार इज अ 4x2, बट अगर 4x4 आप लेते हो, जो मैं हर एसयूवी में प्रेफर करता हूँ, उसकी माइलेज थोड़ी कम हो जाती है। नो डाउट इसकी भी बिल्ड स्टिफ सस्पेंशन होने के कारण स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट अगर 4x4 लेते हो तो आप पहाड़ों पे भी हर जगह भी आप कॉर्नरिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। और तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक 4x4 फॉर्च्यूनर को तो बहुत रैश चलाते हैं हाईवे पर भी, बट उसके अलावा भी अगर 4x2 भी लेते हो तो हाईवे पर, क्योंकि इसकी सस्पेंशन स्टिफ है, ये बहुत जम के चलती है और पकड़ के चलती है, एंड एवर थोड़ी सॉफ्टली सेटअप है, तो जितनी गाड़ी सिर्फ स्टिफ होती है उतनी गाड़ी कम सड़कों पे या खराब सड़कों पे या स्लो स्पीड पे खड्डों पे आपको फील करेगी, आपको शॉक्स फील होंगे, आप थोड़ा थोड़ा हिलोगे जो आप इसमें हिलते हो, बट जैसे हाई स्पीड होगी तो आपकी गाड़ी बहुत चिपक के पकड़ के चलेगी। तो वो इसका एक माइनस पॉइंट है कि खराब सड़कों पर आप हिलते रहोगे ऐसे 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 करके, बट द गुड पॉइंट इज दैट इट्स अ वेरी गुड ड्राइवर्स कार। सो इफ यू आर अ शॉफर ड्रिवन पर्सन, आई डोंट थिंक फॉर्च्यूनर इज फॉर यू। नो डाउट पीपल प्रेफर फॉर्च्यूनर्स, पॉलिटिशियन प्रेफर फॉर्च्यूनर्स, अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर फॉर्च्यूनर्स, बट आप साइड पे बैठ के ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे रादर देन मिडल रो, बिकॉज यू हैव टू बी रियली इन्वॉल्व इन द ड्राइव टू एक्चुअली गेट दैट फील। अब खड्डों से निकलते हैं, खराब सड़कों से निकलते हैं, तो नो डाउट इट्स द परफेक्ट प्रिस्टीन कंडीशन कार, फिर भी गाड़ी में कंपन आती है, बिकॉज प्लास्टिक की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बहुत है, बट एक लग्जरी फील नहीं है, और हर बंदे को हमेशा लग्जरी फील नहीं चाहिए होती, और उनके लिए फॉर्च्यूनर है। तो ये लोगों का रोज का वर्क हॉर्स है, इसको बोलते हैं छोटा पंजाबी में, या बोलते हैं काला घोड़ा, एंड इट प्रोड्यूसेस अराउंड 170-180 bhp पावर एंड अ लॉट ऑफ टॉर्क। तो बहुत सारे लोग बात करते हैं यार कि पावर और टॉर्क का क्या फर्क है या क्या चीज है, तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना बड़ा इंजन होगा, जैसे 2.0 आता है, एंडेवर में 3.2 आता है, हम कहते हैं bhp तो सेम ही बन रहा है। सो दो तरह की पावर फिगर प्रोड्यूस होती है, एक होती है जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में थे या बड़े इंजन में थे, चलो टर्बो उनमें भी होता है, इसमें भी टर्बो है, कि सीसी ज्यादा है, जितनी ज्यादा सीसी होगी आपकी लो एंड पावर अच्छी होगी। तो नॉर्मली एक टर्बो का करता है, एक छोटे इंजन को टर्बो जब यूज होता है तो वो ज्यादा पावर दे पाता है, बट एक टर्बो से जो पावर आती है वो आपको थोड़ी देर बाद मिलती है। बेसिकली हाउ टर्बो वर्क्स, मेरे को ज्यादा समझाना पड़ जाता है, लोग बोर ना हो जाए, बट हाउ टर्बो वर्क्स इज कि आपका इंजन थोड़ा सा चला, थोड़ी सी पावर जनरेट हुई, फिर एग्जॉस्ट गैसेस जो है, फॉर एग्जाम्पल इंजन ने जो गैस बाहर निकाली थोड़े से कंबशन इंजन के, यार इट विल बी टू मच इंजीनियरिंग, बट बेसिकली थोड़े से चलने के बाद एग्जॉस्ट गैस वापस डालते हैं ऑप्टिमाइज करके उस एयर को, और एक डबल ट्रिपल बूस्ट मिलता है, तभी छोटे इंजन के साथ भी हम ज्यादा पावर क्रिएट कर पाते हैं। बट अगर एक इंजन की सीसी ज्यादा है तो आपको उस पर टर्बो लैग नहीं फील होगा, बिकॉज इनिशियली ही उसमें पावर ज्यादा होगी। तो आप अगर देखो यार कि नए नए इंजन सारे डीट्यून हो ही जा रहे हैं या उनकी सीसी कम होती जा रही है, बट वो टर्बो जनरेटेड पावर क्रिएट करते हैं, तो आप थोड़ी देर उठाओगे तो स्टार्टिंग में नहीं पिकअप लेगी, बट जब तक वो थोड़ा टर्बो चलेगा 1500-2000 rpm लगाएगा, उसके बाद वो भागती है, उनके बाद वो टर्बो बूस्ट आता है। बट जितनी पुरानी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े इंजन वाली, उनके अंदर टर्बो लैग, टर्बो शर्बो कोई आपको कुछ नहीं फील होगा, यू विल जस्ट फील रॉ पावर एंड रॉ टॉर्क। And then this car, this is what I was talking about. You can drive this car like a hatchback. It is so nimble, no such around corners. The लोग मुझे थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, but point is कि जहां तक रास्ता मिला है, just wanted to show that how nimble this car can get. The body roll is lot controlled on smaller speeds, but obviously high speed pe aap cut karoge to body roll hoga, but then it is a two wheel drive rear wheel drive car, but I just wanted to tell you the steering feedback that you can get from this car, so you can actually drive this car really really rash, and as always I would prefer always buy a four wheel drive SUV. So ye kharab rasta hai, isme sadak hai nahi, but fir bhi hum tapa rahe hain, ye humne thoda sa divider jisme chalne ke liye raste ke liye thodi jagah thi usme humne tapa liya, not from podde wagera, isliye डोंट टेल मी मैंने रूल तोड़ा है, पौधे थोड़े प्लीज ऐसा नहीं है, बट दिस एबिलिटी कि आप सड़क हो ना हो कुछ भी हो जस्ट चढ़ा दो यार, वो जो फ्रीडम लो वाले लोग होते हैं जिनको गाड़ी की परवाह नहीं करनी होती, उनके लिए फॉर्च्यूनर है। एंड देन जो 2.0 एंडेवर मैंने लेटेस्ट चलाई थी उसके अंदर इतनी एजिलिटी नहीं थी, इट जस्ट kept on rolling side by side, but slow speed पे खराब सड़कों पे वो बहुत आराम से निकल जाते हैं। अभी तो मैं जैसे बड़े aggressive zone में हूँ और बड़े fuelsome zone में, but अगर मैं थका होता, परेशान होता, तो I would have preferred that endeavor more, because मैं comfortably अपने घर पहुँचना चाहता और घर अगर दूर होता तो। But if you want fun of driving, then this is a really good car, and I'm telling you, अगर आपको Fortuner मिलती है कम चली हुई, कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। And then this is financial wise, this is the worst deal I could have.
टेक बिकॉज इस गाड़ी में मेरी जिंदगी में मैं सबसे कम नेगोशिएट कर पाया। अमेजिंग वो स्कॉडा कैरोक है एंड सी आपको यहां से बैठ के लगेगा ये हैचबैक है। दैट्स द रोड प्रेजेंस दिस कार गिव्स यू और इतनी ऊंची बैठ के इतना कुछ दिखता है यार यू फील सो गुड सो कंफर्टेबल। इधर से रास्ता है हां जी यू कैन ड्राइव दिस कार लाइक अ हैचबैक कोई आपको टेंशन नहीं कुछ नहीं दिखता भी इतना अच्छा है गाड़ी का कंट्रोल भी इतना अच्छा है और इस गाड़ी में खर्चा मतलब 5-10 हज़ार की सर्विस है आपका कोई पार्ट टूट जाए कुछ हो जाए लाइटें इतनी सस्ती है सब कुछ इतना सस्ता है इट्स लाइक वेरी वेरी चीप तभी लोग इतना प्रेफर कर रहे हैं पुरानी फॉर्च्यूनर्स। बट ये 2013 मॉडल है 30,000 ड्रिवन है जो बहुत बहुत रेयर है और ये उन लोगों को होता है जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं तो वही ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं। रास्ता सीधा पीछे से उधर है पार्किंग तो ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं जिनके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं बट उनको चलाने को उनके पास चलाने के लिए और गाड़ियां होती हैं तो चला उनको उतना नहीं पाते तो यहां से फिर से हम लेके जाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ क्रॉसिंग फॉर अ कार बट अ फॉर्च्यूनर कैन गो एनीवेयर और मैं ऑडी भी ऐसा ना चलाता बिकॉज आई एम वरी अबाउट इट सस्पेंशन इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है बट देन यू कैन सी मी शेकिंग मूविंग एंड एवरीथिंग जो एक ऑडी में नहीं होता। Like a feelsome car, not a comfort car. But like always, I'll always stay a luxury car fanboy. But this is Fortuner, first gen ka facelift for you.